हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सब ठीक होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले यामा XSR के बारे में कि ये बाइक कब तक हमारे यहाँ आ सकती है, आएगी कि नहीं आएगी और बाइक में क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलेंगे, साथ में बाइक का प्राइस कितना हो सकता है हमारे यहाँ। गाइस बहुत दिनों से इस बाइक को लेकर बातें चल रही है लेकिन फिलहाल अभी तक तो यहाँ पे इस बाइक को रियलिटी में लॉन्च नहीं किया गया और बेसिकली मुझे लग रहा था कि ये बाइक को बहुत जल्द आएगा इंडिया में। लेकिन देखिए मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस बाइक को इंडिया में आने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा बट ये बाइक 110% आएगी, क्योंकि आप अभी मार्केट में ध्यान दोगे तो हाईनेस आ गई, रॉयल एनफील्ड मेटियोर आ गई, तो बहुत सारी जो क्रूजर बाइक है वो मार्केट में आ रही है। तो कहीं ना कहीं यामा को भी अब ये चीज लगने लगा कि उनको भी एक क्रूजर बाइक बहुत जल्द लॉन्च करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं न्यू यामा की XSR के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस डिटेल्स के बारे में कि प्राइस हमें यह बाइक क्या देखने को मिलेगी। बेसिकली दोस्तों यह बाइक आप लोगों को लगभग 130,000 से 140,000 रुपीज के आसपास की एक्सोरूम प्राइस देखने को मिल सकती है। 130,000 से 140,000 रुपए के आसपास की यह बाइक हमें एक्सोरूम प्राइस देखने को मिल सकती है। और अगर बात करें दोस्तों ऑन रोड प्राइस के बारे में तो वो लगभग ऑन रोड प्राइस के बारे में तो 160,000 से 165,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस जाएगी, जो कि आपको यामा की MT-15 देखने को मिलती है। वही दोस्तों बात करें लॉन्च डेट के बारे में तो कहा जा रहा है कि 2021 के अप्रैल तक इस बाइक को लॉन्च किया जा सकता है यामा की तरफ से। बात करते हैं इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। स्पेसिफिकेशन में इंजन टाइप में सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 4 वोल्वो SOS इंजन आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। इस बाइक में 155cc का इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम पावर में 18.5 का PS पावर मिलेगा जो कि 10,000 RPM पावर जनरेट करेगा और मैक्सिमम टॉर्क में 14.7 का न्यूटन मीटर टॉर्क मिलेगा जो कि 1,500 RPM में पावर जनरेट करेगा, जो कि बेसिकली दोस्तों आप लोगों को मेरे हिसाब से इस बाइक में यामा R15 वाला इंजन देखने को मिलेगा। वन नंबर ऑफ सिलेंडर में डिजाइन किया जाएगा, लिक्विड कूल 4 वॉल्व चयन रहे, साथ में आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन मिलेगा, फ्यूल सप्लाई मिलेगा, स्लीपर क्लच देखने को मिलेगा, वहीं 6-स्पीड गियरबॉक्स मैनुअल हमें इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। 58mm की बोर एंड 58.7mm की स्ट्रोक हमें इस बाइक में देखने को मिलेगी। और अगर बात करें दोस्तों माइलेज के बारे में तो इस बाइक में आप लोगों को लगभग 40 के आसपास का माइलेज देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर मिलेगा जो कि राउंड शेप में रहेगा। जी हाँ, राउंड शेप में आपको काफी प्यारा फुली डिजिटल मीटर आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। बेसिकली बहुत ही अच्छा मीटर रहेगा जिसमें आप लोगों को दोस्तों इस कंसोल आपको फुली डिजिटल के साथ साथ उसमें आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, RPM, साथ में गियर इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, मोबाइल कनेक्टिविटी, ABS लाइट्स, ये सारी चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। बेसिकली काफी इंफॉर्मेटिव आपको इसमें स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में तो फ्रंट में आपको इसमें नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, रियर में स्विंग आर्म सस्पेंशन आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएंगे, चेसी टाइप में डेल्टा बॉक्स चेसी आपको इस बाइक में देखने को मिलेगी। बेसिकली बात करते हैं लेंथ एंड कैपेसिटी के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इस बाइक की सीट हाइट के बारे में तो इस बाइक में आपको लगभग 800mm की सीट हाइट देखने को मिल सकती है, 800mm के आसपास की सीट हाइट देखने को मिलेगी। और बात करें दोस्तों इस बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में तो इलेक्ट्रिकल्स में दोस्तों इस बाइक में आप लोगों को काफी अच्छी फुली LED सेटअप देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको हेडलाइट में LED रहेगी, टेल लाइट में LED रहेगा, टर्न सिंगल लाइट में LED रहेगा, LED टेल लाइट्स रहेगी, बैटरी टाइप में ETZ बैटरी मिलेगी, साथ में 12W की 4Ah की बैटरी आपको इसमें देखने को मिलेगी एंड लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में। टायर साइज में दोस्तों इस बाइक में आपको फ्रंट में 180 का टायर देखने को मिलेगा, 180 का टायर फ्रंट में देखने को मिलेगा जो कि 17-inch व्हील के साथ में आता है। रियर में 140-70 का टायर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा जो कि वो भी 17-inch व्हील के साथ में आता है। टायर टाइप में ट्यूबलेस टायर रहेगा, व्हील टाइप अलॉय व्हील रहेगा। ब्रेकिंग में दोस्तों इस बाइक में आप लोगों को डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा, जी हाँ डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपको इसमें देखने को मिलेगा। वही दोस्तों प्लेट में आपको इसमें दोनों साइड डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि फ्रंट में 282mm की प्लेट मिलती है, 282mm की रियर में 220mm की आपको प्लेट देखने को मिल जाएगी। अब ये देखना है दोस्तों कि यामा की तरफ से यामा XSR को कब इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है कि यामा को लॉन्च करना चाहिए क्योंकि इस सेगमेंट की गाड़ियाँ आजकल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बैनेली देख लो, हमारी रॉयल एनफील्ड को देख लो, खैर वो तो आई रही है, मेट्योर आ गई, आप होंडा को देखो उसने भी कदम रखा है, तो मेरे हिसाब से अब यामा को भी इस चीज़ में थोड़ा ध्यान देना चाहिए और ये सब गाड़ियों को भी बनाना चाहिए, सिर्फ स्पोर्ट्स सेगमेंट में उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सारा भी जो इंडिया का मार्केट रहेगा बहुत ज़्यादा मार्केट में चलने वाली बाइक्स में से एक रहेगी क्योंकि आजकल आप लोग कंफर्ट बहुत ढूंढ रहे हो और इंजन की क्वालिटी भी काफी
काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो, और बेसिकली क्रूजर बाइक की जो क्वालिटी, कंफर्ट क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती, तो मेरे हिसाब से बहुत जल्द आपको ऐसी गाड़ियाँ यामा की तरफ से भी देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियोज़ अपडेट रह सके।